पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है, जैसे तुम्हें किसी इमेज को प्रिंट करना हो तो सिंपल जो है बस यहाँ पे शेयर में जाओ, यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन होता है ना, ये शेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन उनके आता है प्रिंट का, और यहाँ पे आता है शेयर टू डेस्कटॉप। यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे नियर बाय डिवाइसेस ऑन होता है, शेयर फाइल्स और नियर बाय डिवाइसेस तो ऑलरेडी ऑन है। प्रिंटर पे दबाओ, फिर यहाँ पे प्रिंटर के लिए आ जाएगा सेलेक्ट अ प्रिंटर, कलर्ड फाइल चाहिए या ब्लैक एंड वाइट चाहिए। यहाँ पे कलर एंड वो आ गया, तो अपने ब्लैक एंड वाइट चुन लिया या कलर चुन लिया, ब्लैक एंड वाइट चुन लिया। कितनी कॉपीज़ चाहिए, सेलेक्ट अ प्रिंटर, प्रिंटर सेलेक्ट कर लो जो अपना कनेक्टेड है। मेक श्योर ये बोथ योर फोन्स एंड प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द सेम वाईफाई नेटवर्क और वाईफाई डायरेक्ट इज़ ऑन ना, मतलब सेम वाईफाई डायरेक्ट से कनेक्टेड होनी चाहिए या फिर सेम वाईफाई से कनेक्टेड होनी चाहिए। वो नो हॉटस्पॉट देके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अमेजिंग थिंग, है ना। यहाँ पे लेआउट भी देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, एंड अमेजिंग थिंग इट इज़। तो सिंपल अपन प्रिंट कर सकते हैं सीधा। और ये शेयर टू डेस्कटॉप है, टर्न ऑन वाईफाई एंड ब्लूटूथ ऑन योर फोन एंड यूज़ वायरलेस डिस्प्ले, सर्चिंग फॉर डिवाइसेस नियर बाय, है ना। अपन को किसी डिवाइस पे दिखाना हो नियर बाय तो उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो यूजेस ऑल दिस फीचर्स, तुमको मैं सेव टू ईएस तो बता ही चुका हूँ कि अपने किसी भी फाइल में अपन सेव टू ईएस कर सकते हैं। और सेव टू ईएस की जगह उसकी तरह ही होता है कॉपी टू, है ना। कॉपी टू भी उसी की तरह होता है। कॉपी टू ना ये इस फाइल में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ईएस फाइल मैनेजर में ये फैसिलिटी है, सभी फाइल मैनेजर में होता है। कॉपी टू ये इस फाइल मैनेजर में, अपना जो इनबिल्ट फाइल मैनेजर है, क्या कहना चाहिए, ये जो है इनबिल्ट फाइल मैनेजर है जो एंड्रॉयड का, ये फाइल मैनेजर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाला ना, जो एंड्रॉयड मतलब जो फ़ोन में खुद से आता है वो है। तो दैट इज़ अमेजिंग थिंग, यूज़ इट। पर यहाँ का शेयर कुछ अलग होता होगा, नहीं इसका शेयर अलग है। गूगल फोटोज़ का शेयर अलग है, और इसीलिए भी जो है ना हमको ये वाला ऐप चाहिए, क्या कहना चाहिए, हमको जो है ये वाला ऐप चाहिए। कौन सा ऐप चाहिए? गैलरी ऐप, तब इसीलिए हमें चाहिए, बिकॉज इसका जो शेयर है ना वो अलग ही है। इसका शेयर एकदम शानदार है, कॉपी टू, और तरह तरह के स्कैन भी करना हो, उसी फाइल को स्कैन करना हो सीधा तो यहाँ से फाइल को ले सकते हैं, नोट में डालना हो, जेंडर शेयर करना हो, लैन अपलोड टू फोटोज़ की कॉम्प्रेस, यानी यहाँ पे कंप्रेस कर देंगे तो हमारी इमेज कंप्रेस कर देगा ये, ईमेल करना हो, और पेटीएम में है, पेटीएम में क्या होगा इसका, जनरेट क्यूआर कोड करना है इस पर्टिकुलर इमेज पे, क्यूआर कोड जनरेट करना है तो ये भी हो जाएगा। दैट इज़ अमेजिंग थिंग, मतलब हमें किसी इमेज पे क्यूआर कोड जनरेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, उस वो इमेज जो है वो क्यूआर कोड का काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको क्यूआर कोड की तरह यूज़ करना है, तो इसको मैं क्यूआर कोड इसको क्यूआर कोड बनाऊँ पेटीएम, इसको क्यू आर कोड बनाने के लिए अमाउंट लिख दूँ, डिस्क्रिप्शन ए बी सी जनरेट क्यू आर कोड, ऐसा हो सकता है। वैसे भी और भी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लेंस, एड टू मैप्स, स्कैनर, स्कैनर से क्या होगा, यहाँ से अपन ऐड भी कर सकते हैं कुछ भी। तो ये है, ठीक है।